हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से काइकैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप डीसी बक कन्वर्टर डिजाइन कर सकते हो। तो इसके लिए जो सर्किट डायग्राम होता है, इसका हम स्कीमेटिक बनाएंगे काइकैड सॉफ्टवेयर में, देन इसका हम फुटप्रिंट ऐड करेंगे, फिर उसकी पीसीबी बनाएंगे, किस तरह से उसमें राउटिंग होता है, इजी मेथड राउटिंग किस तरह से होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काइकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, एक न्यू फोल्डर ऐड कर लेता हूँ बक कन्वर्टर, और इसमें हम बक कन्वर्टर की फाइल को सेव करेंगे और इसका नाम ऐड कर देंगे। हम बनाने वाले हैं LM2596 IC की मदद से, तो इसको मैंने इस तरह से इसे रीनेम कर दिया है। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो इसकी स्कीमेटिक एंड पीसीबी लेआउट की फाइल हमें मिल जाती है। स्कीमेटिक एडिटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लैंक विंडो मिल जाती है जिसमें हम स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्कीमेटिक डिजाइन करने से पहले मैं यहाँ पे बक कन्वर्टर की एक फुटप्रिंट ऐड कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप अपना खुद का सिंबल लाइब्रेरी डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं, उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बक कन्वर्टर की एक लाइब्रेरी ऐड करके रखी है। ओके, कस्टम लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे बनाई थी जिसमें मैंने इस तरह से एक सिंबल बनाया था और इसकी फुटप्रिंट भी बनाई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे बक कन्वर्टर में यहाँ पे इनपुट के सप्लाई होगी, इनपुट का ग्राउंड, देन आउटपुट का यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और आउटपुट का ग्राउंड आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल लेबल दे देता हूँ। ओके, रोटेट करने के लिए आप R बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पे ग्राउंड ऐड करना है तो यहाँ से हम ग्राउंड ऐड कर देंगे, ये हमारा ग्राउंड हो गया। कनेक्ट करने के लिए आपको W बटन का इस्तेमाल करना है। किसी लेबल को या किसी कंपोनेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, नॉर्मली जो यूज होता है उसी का इस्तेमाल करना है। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं और इसे यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अगर किसी कंपोनेंट को आपको मूव करना है तो सिंपली आप G बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप इसे कंपोनेंट को मूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा बक कन्वर्टर का बेसिक ब्लॉक आ गया है। ओके, इसे मैंने कस्टम डिजाइन किया है। तो अगर आपको सीखना है कि किस तरह से आप कस्टम सिंबल ऐड कर सकते हो, किस तरह से कस्टम इसकी लाइब्रेरी डिजाइन कर सकते हो, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर किसी कंपोनेंट की आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो इसके लिए डबल क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसको शो करना है या फिर हाइड रखना है तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। ओके, और उसकी फुटप्रिंट भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लेबल को बंद कर देता हूँ। ओके, बक कन्वर्टर का ब्लॉक। अभी हम इस ब्लॉक में जो भी ऐड करने वाले हैं इसको हम ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिंबल पर क्लिक कर देते हैं। सिंबल में हमें यहाँ पे ऐड करना है, सबसे पहला सिंबल है वो है मेन आईसी जो कि है LM2596। ओके, ये जो आईसी है इसकी मदद से आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट 3 एम्पियर का यहाँ पे TO263 का पैकेज यूज कर सकते हो, या फिर 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, या फिर एडजस्टेबल अगर आपको बनाना है तो एडजस्टेबल भी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हम यहाँ पे इस आईसी को एडजस्टेबल फॉर्म में यूज करने वाले हैं। तो मैं इसका सिंबल ऐड कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक 5 पिन की आईसी है जिसमें इनपुट, इस आईसी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ पिन दी गई है, ग्राउंड, देन यहाँ पे आउटपुट दिया गया है और एक फीडबैक की पिन है। ओके, तो इस आईसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको डिजाइन करने वाले हैं। इस आईसी के बारे में मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरह से आईसी वर्क करती है। फिलहाल इसकी जो डेटा शीट है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, तो आप डेटा शीट रीड करके इसके बारे में डिटेल जान सकते हो। तो इनपुट में हम यहाँ पे लेबल इसी को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसका लेबल ऐड कर देता हूँ। ओके, कनेक्ट करने के लिए W बटन यूज करेंगे। देन यहाँ पे मैं इनपुट फिल्टरिंग कैपेसिटर ऐड करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सर्च करना है C_ पोलराइज हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पोलराइज स्मॉल US पैकेज में आपको मिलेगा। ओके, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। इसे हम यूज करने वाले है 100 μF and 50 V। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे एडिट कर लिया है। ओके, कनेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्राउंड था, इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ओके, और यहाँ पे हमें ग्राउंड देना है तो फिर से ग्राउंड ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो इन सबको एक साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, इंडिविजुअल ग्राउंड ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 यानी कि ऑन करना है तो आपको यहाँ पे ग्राउंड देना है, और ऑफ करना है तो यहाँ पे VCC यानी कि सप्लाई वोल्टेज देना है। तो हम यहाँ पे इससे बाय डिफॉल्ट ऑन रखने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राउंड ऐड कर देते हैं। ओके,
तो इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे टू नंबर में आपको आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट में आपको सबसे पहले एक इंडक्टर ऐड कर देना है, तो इंडक्टर ऐड कर लेते हैं, ये रहा स्मॉल इंडक्टर। ओके, इसे हम ऐड कर लेते हैं पिन नंबर टू में, और इसकी वैल्यू हम एडिट कर लेते हैं, वैल्यू पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं 633 माइक्रो हेनरी। ओके ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हमें फिल्टरिंग कैपेसिटर एक और ऐड करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब चाहो तो इसे मूव भी कर सकते हो, मूव करने के लिए आपको एम बटन का इस्तेमाल करना है। ओके, टेक्स्ट को मूव करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और मूव बटन के लिए एम बटन इस्तेमाल करना है, मूव करने के लिए एम बटन का इस्तेमाल करना है। इसकी वैल्यू हम एडिट कर लेते हैं, इसे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे 220 माइक्रो फैराड एंड 35 वोल्ट। ओके, इसकी जो डिज़ाइन है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमने यहाँ पे एसी कैपेसिटर एसी इंडक्टर को यूज़ किया है। ओके, देन यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड करेंगे जो कि जो इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी उसे रिलीज करेगा, तो इसके लिए हम एक डायोड ऐड कर देते हैं 1 एंड 5822। ओके, इस डायोड को हम यूज़ करने वाले, एक शॉट की डायोड है। ओके, और इस शॉट की डायोड की कैपेसिटी है वो यहाँ पे हमें मिलती है 40 वोल्ट एंड 3 एम्पियर, इसे ग्राउंड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से होगा। देन आउटपुट में हम यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे इस आईसी को फीडबैक अप्लाई कर सकें, तो इसके लिए आपको फीडबैक ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर ऐड कर देना है। ओके, स्मॉल रजिस्टर यूएस फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, तो इसे ऐड कर देते हैं। देन यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर ऐड कर देते हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट वोल्टेज को वैरी कर सके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। ओके, हम इस वाली सिंबल को यूज़ करने वाले हैं और इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम एडिट कर देते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे 50K। देन रेजिस्टर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1.21K। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको इस तरह से लिखना है कि 1K21 तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, देन इसे कनेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पे ग्राउंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। ओके, और इसे फीडबैक में अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया फीडबैक। ओके, इसे थोड़ा मूव कर देते हैं, इसे यहाँ पे मूव कर देते हैं, तो ये हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बना लिया है। तो अभी इंडिकेटर एलईडी हम आउटपुट में ऐड कर देते हैं, ओके, जिसकी मदद से हमें पता चले कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पे आउटपुट में एलईडी ऐड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर मैंने ऐड कर दिया है जिसकी वैल्यू हम यूज़ करने वाले 2.2K, तो मैं यहाँ पे 2K2 इसकी वैल्यू कर देता हूँ 2K2। ओके, 2.2 किलो ओम का रजिस्टर हो गया। देन यहाँ पे एक एलईडी ऐड कर देते हैं, तो ये हमारी एलईडी हो गई, रोटेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं और नीचे ग्राउंड अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर। ओके, इसे थोड़ा मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट का हमें लेबल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट के लेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे आउट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, तो हमारा यहाँ पे सर्किट डायग्राम रेडी है, हमने स्कीमेटिक डिज़ाइन कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं इन सब की फुटप्रिंट ऐड करनी है। तो फुटप्रिंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली चले जाना है यहाँ पे असाइन फुटप्रिंट टूल में, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सभी कंपोनेंट की फुटप्रिंट ऐड कर देनी है। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी से फिल्टर निकाल के इन दोनों फिल्टर को हम ऑन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर, इसे हम SMD फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, और इसकी जो साइज़ है वो हम यूज़ करेंगे 6.3 × 5.3। ओके, इसकी फुटप्रिंट अगर आपको देखनी है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे देख सकते हो। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करना है, तो यहाँ से इस तरह से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। ओके, तो ये 6.3 आपको यहाँ पे फुटप्रिंट मिल जाती है। इसका 3D मॉडल देखना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसका 3D मॉडल भी देख सकते हो। ओके, थोड़ा इसे बेस अरेंज कर लेते हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये इसका 3D मॉडल है, ये SMD कैपेसिटर है। ओके, तो इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 220 माइक्रोफेराड 35 वोल्ट के लिए भी इसी फुटप्रिंट को हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। LED हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे SMD, और यहाँ पे इसकी जो फुटप्रिंट है वो ये यूज़ करेंगे 1206 का पैकेज। ओके, तो इसे ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे एक इंडक्टर है, इंडक्टर हम यूज़ करने वाले हैं, ये वाली फुटप्रिंट हम यूज़ करेंगे,
इसे ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे रजिस्टर्स है, ओके। इस रजिस्टर के लिए हम असेंबली पैकेज यूज़ करेंगे 1206 का, तो इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2.2K के लिए 1206 का। देन यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर की, इसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसे ऐड कर लेते हैं, ओके। वर्टिकल फुटप्रिंट, इसकी मैंने कस्टम फुटप्रिंट यहाँ पे डिज़ाइन की है, तो इसे हम ऐड कर देते हैं कस्टम लाइब्रेरी में। बक कन्वर्टर की, ओके, ये यहाँ पे इसका मैंने ऑलरेडी इसका ऊपर प्लेट बना के रखा था, ओके, तो इस फुटप्रिंट को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आईसी का बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे पैकेज मिल गया है, ओके, इसे भी हम एज इट इज रखेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी फुटप्रिंट को ऐड कर दिया है। अभी क्या करना है, इसकी पीसीबी डिज़ाइन करनी है। तो पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसे सेव कर लेना है, देन चले जाना है यहाँ पे पीसीबी लेआउट विंडो में, ओके। तो इस पर क्लिक करके आप पीसीबी लेआउट की विंडो में चले जाते हो, तो ये यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पे ब्लैंक वर्क स्पेस हमें मिलती है जिसमें हम पीसीबी डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पीसीबी विद चेंजेस मेड टू स्कीमेटिक, इसके लिए आपको F8 शॉर्टकट बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट पीसीबी पे क्लिक करना है, तो आपके सभी कंपोनेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ओके। ये हमारे पीसीबी के सभी कंपोनेंट हमें मिल गए, ओके। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोर्ड की प्रिंट ऐड करके रखी थी, ओके। हमने डायोड की फुटप्रिंट शायद गलत सिलेक्ट कर ली है। तो इस तरह से अगर कोई कंपोनेंट की फुटप्रिंट आपको वापस चेंज करनी है तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे स्कीमेटिक एडिटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे फिर से रन फुटप्रिंट असाइनमेंट टूल पे क्लिक करना है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे डायोड की ये फुटप्रिंट है, ओके, इसे हमें नहीं ऐड करना है, हमें ऐड करना है इसके अलावा SMD फुटप्रिंट, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको रिमूव कर देना है, देन SMD डायोड की फुटप्रिंट ऐड करनी है, ओके। तो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे SMD फुटप्रिंट, और इसकी जो वैल्यू है वो होगी 2010/5025 मैट्रिक, ओके। तो इससे अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से इसे देख सकते हो, ये हमारी इसकी फुटप्रिंट है, ओके। SMD डायोड इस तरह का आएगा जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसके डबल क्लिक कर देते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं, फिर से इसे सेव करके पीसीबी लेआउट में चले जाते हैं, इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपडेट पीसीबी पे क्लिक करके यहाँ पे इसे अपडेट कर देते हैं, तो इसकी फुटप्रिंट चेंज हो जाती है, ओके। अभी जो भी यहाँ पे लेबल्स है, इन लेबल्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे फ्रंट फैब्रिकेशन लेयर को बंद कर देता हूँ, ओके। तो ये यहाँ से चले जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, सभी कंपोनेंट को अरेंज करना है। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है जिससे ये जो यहाँ पे इसके कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये कनेक्शन मिनिमम क्रॉस हो, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे विंडो को इस तरह से सेट करना है जिससे आप इजीली यहाँ पे सभी कंपोनेंट का प्लेसमेंट कर सको, ओके। स्कीमेटिक को साइड में रखना है जिससे आपको पता चले कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साइड में रख सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे सेट कर लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया, इसे भी इस तरह से सेट कर देते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी कंपोनेंट यहाँ पे है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्कीमेटिक में मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट पे आपने क्लिक किया है, ओके। तो आप इस तरह से यहाँ पे वन बाय वन कंपोनेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पीसीबी लेआउट में दिखाएगा कि किस कंपोनेंट पे आपने क्लिक किया है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड से, ओके। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है, यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो इनपुट के पार्ट है इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कैपेसिटर है, तो इसे यहाँ से मूव कर लेते हैं और यहाँ पे इनपुट साइड में इसे प्लेस कर देते हैं इस तरह से, ओके। यहाँ पे जो इसका जो लेबल है, ये लेबल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिया है, इसे आपको मूव करके यहाँ पे जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे सेट कर लेना है, ओके। मैं इसके नीचे इसे सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा कंपोनेंट मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, ओके। तो इसे आप इस तरह से सेट कर सकते हो। देन हमारी आईसी आ जाएगी, तो इस आईसी को हम यहाँ से मूव करके बोर्ड में ले लेते हैं। रोटेट करने के लिए आर बटन का यूज़ कर सकते हो आप, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वी इन है, यहाँ पे वी इन है और यहाँ पे वी इन है, ओके। तो इसे आप यहाँ से मूव करके इस तरह से सेट कर सकते हो ताकि ये अच्छे से आप राउट कर सको, ओके। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर रख दिया है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा डायोड, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास डायोड है, इसे मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। और इसकी जो असाइनमेंट है, ओके, नोटेशन है, इसे मैं यहाँ पे नीचे सेट कर लेता हूँ, तो ये हो गया, ओके। इसे मूव करके थोड़ा और सेट कर लेते हैं, तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हो। देन
यहाँ पे नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा इंडक्टर। ओके, तो इस इंडक्टर को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख देता हूँ, ये हमारा इंडक्टर आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसे कैपेसिटर को हम मूव करके आउटपुट के साथ इसे कनेक्ट करना है, तो इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे रख देते हैं। इसका जो नोटेशन है इसे नीचे ले लेते हैं, रोटेट करके यहाँ पे रख देते हैं। इसका जो नोटेशन था इसे भी इस तरह से हम ओके। और अगर आपको इसका 3D फाइल देखना है तो 3D फाइल देखने के लिए आपके यहाँ आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है और 3D व्यूअर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी कंपोनेंट को प्लेस करके रखा है। ओके, और इस तरह से हमारा जो बक कन्वर्टर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन आपको यहाँ पे राउटिंग करना है। ओके, राउटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे भी आप मैक्सिमम जोन ऐड कर सको वहाँ पे आपको जोन ऐड कर देने हैं, ताकि आपके जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है उसमें मैक्सिमम कनेक्शन जोन से ही कंप्लीट हो जाए। ओके, तो जोन ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जोन पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे लेयर सिलेक्ट कर देनी है कि कौन सी लेयर में आपको यहाँ पे जोन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमें बॉटम के ऊपर में जोन ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे हेड जोन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे कोई एक कॉर्नर से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पे कौन सी नेट में जोन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड में ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन इस तरह से इस पूरे बोर्ड को यहाँ पे जो भी एरिया है जहाँ पे भी आप जोन ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करते जाना है, बी बटन क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट किया है वो बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ये जो पोर्शन में भी ग्राउंड ऐड कर देना है तो इसकी प्रॉपर्टी एडिट करनी है और यहाँ पे सॉलिड पेड कनेक्टर पे सॉलिड सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है, देन बी बटन प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ग्राउंड है वो भी बाय डिफॉल्ट पूरा कनेक्ट हो गया है। ओके, देन वी बटन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो टॉप के ऊपर है उसके कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हमारा इनपुट का है। ओके, तो इनपुट का जो जोन है इसे ऐड कर लेते हैं, इसे हम फ्रंट कॉपर में ऐड करेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे वी इन सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉलिड रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस तरह से वी इन इनपुट वोल्टेज का जो जोन है इसे इस तरह से ऐड कर सकते हो। बी बटन क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अपना जोन देखने को मिलेगा। ओके, आपको यहाँ पे तो ये हो गया। देन यहाँ पे ग्राउंड का फ्रंट के ऊपर में भी आपको यहाँ पे जोन ऐड करना है, तो आप फ्रंट के ऊपर में भी जोन ग्राउंड का ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम फ्रंट के ऊपर में ग्राउंड का जोन यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ओके, ग्राउंड फ्रंट के ऊपर हैश सॉलिड ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, हमें ग्राउंड ऐड करना है इस एरिया में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी कंपोनेंट अभी ग्राउंड कनेक्ट करने थे वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ग्राउंड हो गए। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट में एक जोन ऐड कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी आउटपुट के कनेक्शन है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं फ्रंट के ऊपर में फिर से आउटपुट के लिए जोन ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मोस्ट ऑफ पोर्शन है उसे जोन से ही कवर कर दिया है, अभी बहुत ही कम ऐसे ट्रेस है जिसे हमें कनेक्ट करने हैं। ओके, तो इसे मैन्युअली कनेक्ट कर लेने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट आपको ट्रेस की साइज दी गई है इसे एडिट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एडिट प्री डिफाइंड साइज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो ट्रैक की साइज आपको सेट करनी है, फॉर एग्जांपल 0.5 mm की यहाँ पे सेट करनी है, या फिर आपको यहाँ पे 1.25 mm की साइज सेट करनी है, 1.75 mm की साइज सेट करनी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको ट्रेस की साइज सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, फॉर एग्जांपल 1.25 mm का आपको यहाँ पे ट्रेस ऐड करना है। ओके, और यहाँ पे फ्रंट कॉपर में या फिर बॉटम कॉपर में आपको जहाँ पे भी ट्रैक ऐड करना है इसके लिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से इसे क्लिक करके इस तरह से आप यहाँ पे सिंपली ट्रेस ऐड कर सकते हो। ओके, बी बटन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो इनपुट का जो यहाँ पे कनेक्शन था वो कनेक्शन रिमूव हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे
वाई ऐड कर सकते हो जिसकी मदद से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप कुछ इस तरह से भी ट्रैक बना सकते हो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन रिमूव ना हो। ओके, तो इस तरह से अगर आप इसका ट्रैकिंग करते हो तो यहाँ पे अभी इनपुट का जो था वो ट्रैक ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से आपको मैन्युअली देखना है कि कौन सा ट्रैक बेस्ट रहेगा जिससे आपका पीसीबी बहुत ही अच्छे से आप डिज़ाइन कर सको। ओके, यहाँ पे आपको ग्राउंड के साथ इसे कनेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर लोगे तो ग्राउंड हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे इसे यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे भी एक लाइन ऐड करनी है, इसे भी ऐड कर देते हैं। बी बटन क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, वायर ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे वायर ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करके वी बटन क्लिक कर देना है तो वायर ऐड हो जाएगा। ओके, फिर से क्लिक करना है तो आपको लेयर चेंज मिल जाएगा। ओके, तो आप नेक्स्ट लेयर में चले जाते हो, यहाँ से इस तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हो। वी बटन क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इसका कनेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, वी बटन क्लिक करते ही हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने पूरा पीसीबी है वो उसका ट्रैकिंग कंप्लीट कर दिया है। ओके, जोन को हाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर की मदद से पूरा पीसीबी ट्रैक कंप्लीट कर दिए है। ओके, फिर से यहाँ पे क्लिक करते ही आपके जोन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यहाँ पे फिर से 3D में देखना है तो आप यहाँ पे 3D व्यूअर में देख सकते हो हमारा पूरा पीसीबी है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी अगर आपको कोई मैनुअल टैग्स ऐड करना है आपके पीसीबी पे तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टैग्स बॉक्स पे। आपको जो भी यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टैग्स ऐड कर देते हैं LM2596। ओके, लेयर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो फ्रंट सिल्क। ओके, फ्रंट सिल्क, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इसका जो लेबल है वो लेबल मिल जाता है। ओके, यहाँ पे इसे रख देते हैं तो ये आपको यहाँ पे इसके 3D मॉडल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बॉटम कोपर में कोई टैग्स ऐड करना है तो आप बॉटम कोपर में भी ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ बक कन्वर्टर बाय इलेक्ट्रोटेक सीसी। ओके, और इसे बॉटम सिल्क में ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं। ओके, और इसे एडिट करने के लिए आपको ई बटन प्रेस करना है और यहाँ पे इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। मूव करने के लिए एम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर से अगर इसे 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे रोटेट हो गया है, इसे यह इसी तरीके से रखते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है बक कन्वर्टर बाय इलेक्ट्रोटेक सीसी। ओके, अगर आपको यहाँ पे इसे बोल्ड नहीं रखना है तो आप यहाँ पे इसे बोल्ड निकाल के इस तरह से सिंपली लिख सकते हो। ओके, तो अभी आप इस तरह से एक्स्ट्रा टैग्स ऐड करना है तो टैग्स भी ऐड कर सकते हो। कोई लोगो ऐड करना है तो लोगो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली चले जाना है फुटप्रिंट में। ओके, एक्स्ट्रा फुटप्रिंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड फुटप्रिंट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काइकेड का लोगो फॉर एग्जांपल ऐड करना है तो आप यहाँ पे काइकेड लोगो इस तरह से मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉटम को ऊपर में। ओके, तो सिल्क का ये लोगो है 5mm का, इसे हम ऐड कर लेते हैं। ओके, और इसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी एडिट कर लेते हैं और इसे फ्रंट सिल्क से बॉटम सिल्क, ओके फैब्रिकेशन लेयर से बॉटम सिल्क में ऐड कर देते हैं, फ्रंट साइड में बैक साइड। ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने काइकेड का लोगो भी ऐड कर दिया है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको अपने कोई प्रोडक्ट का लोगो ऐड करना है तो लोगो भी ऐड कर सकते हो। ओके, फिर से ऑन कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक पीसीबी डिज़ाइन की जिसमें हमने बक कन्वर्टर बनाया, बक कन्वर्टर का राउटिंग देखा, किस तरह से स्कीमेटिक बनाते हैं इसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से कस्टम सिंबल ऐड कर सकते हैं, किस तरह से कस्टम फुटप्रिंट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।